हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम राव स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे फिर से नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। फ्रेंड, आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और भाई भाई सब आ चुके हैं। भाई जा रखा था जिम, तो वो जिम से भी आ चुका है। अभी फ़िलहाल अपने काम पे लगा है, बाहर पढ़ रहे हैं। और मेरी जो बहन है वो अभी आटा वाटा गूंद रही है, उसको भी दिखाऊंगी मैं आपको थोड़ी देर में। तो फिलहाल चलते हैं और काम स्टार्ट करते हैं हम भी। और माइक से पता नहीं, कितनी ही वॉइस आ रही होगी अब तक। तो चलो कोई नहीं, थोड़े दिन की बात है, फिर सब हो जाएगा एडजस्ट। तब तक आप भी एडजस्ट करिए, मैं भी एडजस्ट करती हूँ, ज़ोर ज़ोर से बोलती हूँ। बाकी और दिन मैं धीरे धीरे बोलती थी, आज थोड़ा तेज़ बोलना पड़ रहा है और थोड़ा इस चीज़ को ना मुंह के सामने लेके जाना पड़ रहा है। बाकी खाना बना बनाने की तैयारी करते हैं, नाश्ता वास्ता बनाते हैं, फटाफट से फिर निकलना भी है। वरना मैं तो लेट नहीं करती, लेकिन ये जो महाराजा है ना, वो लेट करता है बाहर और मेरा नाम लगाता है फिर कि तूने लेट कर दिया। चलो फिर बनाते हैं खाना। खाना बनाते बनाते आज गाना वाना कुछ नहीं गाऊंगी, क्योंकि फटाफट काम निपटाना है। घंटों का काम मिनटों में नहीं करना है, आज मिनटों का काम घंटों में करना है। ओके, यहाँ देखना, कालू को देखना। कालू आ गया, कहाँ गया मम्मी? अभी इधर तो गया। कहाँ है वो कालू? वहां देखो उसको, वहां वो देखो भाग के तेरा कहाँ गया? कर ले, भाग गया कालू। कालू 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 देखो इसने पर्दे फाड़ दिए सारे। तो अभी मिलिए हमारे भ्राता श्री से, जो कि पढ़ रहे हैं कंबल वंबल ओढ़ के। आपने बहुत कम लोग देखे होंगे ऐसे पड़ाव को, लोग बहुत कम लोगों को देखने को मिलते होंगे जो बिल्कुल बिस्तर विस्तर लेके, जिनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है लेकिन वो पढ़ाई नहीं छोड़ते हैं, फिर भी पढ़ते हैं। देखो तो इसको छोड़ते हैं, हम आगे चलते हैं। लेके चला गया आटा, लेके चला गया आटा, लेके चला गया। कहाँ गया? मम्मी, हेलो बच्चों, आपकी लाइफ कितना? इधर 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 देखना, टीवी में क्या ध्यान दे रहा हूँ। तो फ्रेंड तैयार हो चुकी हूँ मैं, देखो पर्स वर्स टांग के, लग रही हूँ ना मैडम, लग रही हूँ ना मम्मी, मैडम लग रही हूँ ना। हाँ चलो चलते हैं, निकलते हैं अब। अबे कहाँ गया टिफिन, कहाँ गए? ये रहे टिफिन। अरे वो तो वो बनाती है ना, बिल्कुल फनी वीडियो कहाँ से लेके आऊँ मैं खुद ही इतनी फनी हूँ, मेरी शक्ल इतनी फनी है। तो चलो भैया, अंकित ये डिग्गी खोल। तो फ्रेंड निकल चुके हैं हम ऑफिस की तरफ और देख सकते हैं आप इधर का व्यू, ये है कन्वाश्रम से आगे का, थोड़ा सा आगे का, लेकिन है वही जंगल के एरिया में। और देख सकते हैं आप इधर लोग बसे पड़े हैं, मतलब कि लोगों के घर हैं इधर। तो मैं यही सोच रही थी इन लोगों को डर नहीं लगती होगी क्या, मतलब रात के टाइम पे तो काफ़ी डरावना और जंगली जानवरों का बहुत डर लगा रहता है, और बरसात के टाइम पर भी काफ़ी, मतलब पानी वानी का बहाव भी काफ़ी तेज़ रहता है, तो उस समय पर भी काफ़ी डर रहता है इधर। तो चलो हम पहुंच चुके हैं अभी ऑफिस में। तो अंदर एंटर करने से पहले हम जूते चप्पल बाहर निकाल के आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है पूजा वगैरह करते हैं, माता श्री का मंदिर है। तो नवरात्रि चल रहे हैं, आप सभी को नवरात्रियों की भी शुभकामनाएं साथ में ही, और माता रानी सभी पे कृपा बनाए रखे, सब पे कृपा बनाए रखे, सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि सारे के सारे जो है जूते चप्पल बाहर ही निकाल के आते हैं।
गैस के पास भी खाली रहेगा, सिलेंडर ऐसे यूटिलाइज कर लेना उसमें भी खाली से छोड़ बनेंगे। वो ये मेरे को बस यही है, जैसे सिंक हमारा ये आ जाएगा, मुझे सिंक के ऊपर तो वो प्लेट प्लेट जो लगती है ये तो एक्चुअली दिखा रही है। हाँ, इसके बगल में हमारा आरओ आ जाएगा, आरओ को भी ढकना है हमारा, ठीक है ठीक है, और नीचे से जगह छोड़ देना, ठीक है। फिर हमारा आ जाएगा माइक्रोवेव का, माइक्रोवेव देख लेंगे वहां पे कि कहाँ रखना है ऊपर, ठीक है। माइक्रोवेव के लिए तो आपको एक अलग छोड़ना पड़ेगा ओपन, माइक्रोवेव तो कवर नहीं होगा ना उसके लिए, तो ओपन इस टाइप से जैसे ये है ये माइक्रोवेव के लिए, ठीक है। ऊपर बाकी बाकी तो ऐसा ना, अब ऊपर का तो जैसे जहाँ पे ना उस हिसाब से बता दिया जाएगा उनको ना, वहाँ जगह के हिसाब से, क्योंकि ये तो जगह ज्यादा है ना, तो ज्यादा तो बड़ा स्पेस, तो वहाँ जगह के हिसाब से वहाँ डिस्कस हो जाएगा। तो एक आइडिया मिल जाए, अगर मिल गया होगा भैया को भी इससे, क्योंकि ऐसे में हमारा 9 फीट है। मैंने अभी अभी देखो मेन मेरा ये है, कटलरी का है, मैं ये सब ठीक है, ये सब सारा लग जाएगा, ये लग जाएगा ना, 3 फीट के दायरे में सारा लग जाएगा, ये भी लग जाएगा, ये भी लग जाएगा, ये भी लग जाएगा ना, और ये गोले ये भी लग जाएंगे, दो भी लग ही जाएगा ना। नुमान ये देखो मुझे ना क्रॉकरी वगैरह रखने के लिए कुछ इस तरह का बन जाए, ऊपर 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 की साइड में, मतलब इस तरह से, ये तो यहाँ नीचे से है ना, ये हमारा यहाँ पे आ जाए ऐसे, ठीक है वो तो यहाँ भी आ जाएंगे, ऊपर भी आ जाएंगे, के नीचे आएगा सिंक के नीचे। 10 दिन का ओपन रखना, ये सब मत लगाना, 10 दिन तो वो अपने ही रखेंगे, इसको खाली रखना, इसे तो इसे पल्ले रहेगा, बस यहाँ पे 10 दिन रखा जाएगा, खाली रहेगा तो काफ़ी लेट हो गया आज हमें घर निकलते हुए, देख सकते हैं आप पूरा का पूरा अंधेरा हो चुका है। और जैसे कि मैं आपको बता ही रही थी, इधर बाघ शेर आदि का बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है, मतलब हाथी तो नॉर्मल घूमते ही रहते हैं यहाँ, जैसे कोई हीरो या हीरोइन घूम रही हो वही तो इसलिए हमें भी डर लग रही थी। और चलो बचते बचाते तो हम आ ही गए मूँगफली लेने, मूँगफली तो खरीद ही लिए, इसका मतलब हम सेफली घर पहुँच चुके हैं, अपने मार्केट में एंटर कर लिया था, बाकी तो हमने। तो फ्रेंड पहुंच चुकी हूं मैं घर पे, सच में तो पहुंच चुकी हूं मैं घर पे, और खाना वाना भी हो चुका है मेरा। तो आज क्या है, हम ऑफिस से बहुत ज़्यादा लेट निकले, मैंने रास्ते में आपको व्यू भी दिखाया होगा रात का, नाइट का, तो बहुत ज़्यादा मतलब अंधेरा हो गया था। और रास्ते में एक आंटी आ रही थी, स्कूटी में बैठ के आ रही थी, तो वो शायद अपने बच्चे को कुछ बोल रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने ये बोला कि रास्ते में बाघ लगा हुआ, तो मैं अपने भाई को बोल रही भाई जल्दी चला भाई, यहाँ इधर बाघ लगा हुआ है। तो मतलब डर लग जाती है यार अगर कोई ऐसी चीज़ें बोलो ना, तो वैसे भी रास्ता नहीं था, फिर उसके बाद तो काफ़ी मार्केट से होके फिर घूम के हमें फिर दूसरे वाले जंगल से होके गुजर के आना पड़ता, तो भाई जब तक रास्ता नहीं बनता तब तक तो बुरे हाल हो जाने, वो जंगल वाले रास्ते से ही आना पड़ेगा, मतलब कन्वाश्रम के रास्ते से। और मैं कितनी बार आप लोगों को बोल रही हूँ शाकुंतलम मूवी देखो देखो देखो, बहुत ही प्यारी मूवी है, कन्वाश्रम के ऊपर है बनी हुई पूरी, तो आप लोग देखना ज़रूर उस मूवी को। तो बाकी तो देखना ना देखना आप लोगों के ऊपर मर्जी है, पर मैं बोल रही हूँ कि उस मूवी को ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छी मूवी है। जिनको मतलब ऐसे धार्मिक जगहों से या फिर ऐसे मतलब कोई चाहता है कि हम ऐसी जगह पर जाए, तो पहले लोग सर्च करते हैं और चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं, तब जाके घूमने जाते हैं। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आप लोग मतलब जहाँ मैं रह रही हूँ उसके बारे में आप लोग भी जानें। इतना ही रखते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। ये कौन सा तरीका है भाई माइक पकड़ने का, सॉरी हेडफोन पकड़ने का, बट मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे में शायद ज़्यादा अच्छी आवाज़ आए। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्यारे 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 कमेंट से मेरे कमेंट सेक्शन को भर दीजिए। मिलते हैं आप सभी को नए व्लॉग के साथ, बाय बाय, राधे राधे।